किसी भी स्टोर में जाके किसी का नुकसान न करें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सैनिटाइजर रख रखा है, तो ये आपके लिए नहीं है, बस दिखाने के लिए रख रखा है, तो कहीं पे जाके ना किसी का नुकसान न करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और करीब एक महीने बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, और इस ब्लॉग में मेरे साथ है विवेक। और हेलो गाइस, मैं और विवेक अभी जा रहे हैं DLF साइबर सिटी। तो अभी हम मतलब नियर बाई हैं, अभी यहाँ से मेट्रो पकड़ के चलते हैं सीधा। पता नहीं कितना टाइम और लगेगी अभी, ये अभी देखते हैं। अभी हम यहाँ से रैपिड मेट्रो लेने वाले हैं, लेकिन रैपिड मेट्रो में यहाँ पे भीड़ नहीं है इतनी। और अभी अभी मैं और विवेक उतर चुके हैं मेट्रो से, रैपिड मेट्रो से। और विवेक, मुझे लग रहा है फर्स्ट ब्लॉग है तो नर्वस है, इसलिए शांत बैठा है, ज्यादा भूल नहीं रहा है। और ये ब्लॉग ना मेरा कम से कम एक महीने बाद आ रहा है, तो हमारा ना अचानक ही प्लान बन गया था कि हाँ DLF साइबर सिटी चलते हैं। और DLF साइबर सिटी का आपको मैं अभी नज़ारा दिखाता हूँ। मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ और वहीं से दिखाता हूँ। ये गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, देख सकते हैं। गाइस देखो क्या मस्त नजारा है, आप भी एक बार विजिट जरूर करना यहाँ पे आके। तो अभी हम दोनों ऐसे ही जा रहे हैं बस। और ये मुझे पता नहीं, नर्वस तो क्या के हो जाएगा ठीक ठाक जब लोगों का आना लगेगा। यार विवेक मेट्रो से नीचे आ रहे हैं और अभी हम एंटर करने वाले हैं। यार मुझे डर लग रहा है कोई फोन ना छीन के ले जाए कभी वीडियो बनाते टाइम, फोन क्यों छीन लेगा अभी कोई ले जाए। आप जैसे ही DLF साइबर सिटी में एंटर करोगे, आप पूरा टोटल कॉर्पोरेट ऑफिस मिलेंगे यहाँ पे। देखने के लिए अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स मिलेंगी, अब जो मैंने वीडियो में दिखाई हुई है। और ये तो खैर शांति रहेगा और शांति चलता रहेगा। ये आने वाले ब्लॉग में कुछ चमत्कार कर सकता है तो कर सकता है, इसमें तो पता नहीं करेगा या नहीं। मैं और विवेक जा तो रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है जाना कहाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम रास्ता भूल चुके हैं और अभी फाइंड करने लगे हुए हैं कि जाना कहाँ है। ये है एक फर्जी रेल, इसको आप देख रहे हो। इसे पता नहीं इन्होंने क्या फुहारा सा उड़ा रखा है इधर, हवा पता नहीं हवा में क्या छोड़ रहे हैं, बंदों को पता ना मारना चाहते हैं। और मैं इसके नीचे जाकर ट्राई करता हूँ कि ये है क्या। तो गाइस कुछ नहीं, ये पागल बनाने वाला सा होता है, क्योंकि ये पता नहीं हवा में ये पता ना क्या फायर से छोड़ रखी है इन्होंने, बस गैस भी उड़ रही है। गाइस अभी नया विवेक एंट्री करने वाले हैं यूनिक रूम, वैसे हमें लेना तो कुछ है नहीं, बस घूमने जा रहे हैं। हमारा पैसे हों या ना हो पर हमें लेना तो है ही नहीं कुछ, अभी चलते हैं। चलो गाइस देखते हैं, यहाँ पे आपको ना सब बिजली मिलेंगे, सुट्टा मारने वाले और चर्सी टाइप के मिलेंगे, बल्कि आप देख सकते हो वीडियो में आके कि सब सुट्टा में लगे हुए हैं। तो गाइस ये है यूनिक्लो का स्टोर, और ये पता नहीं कौन खड़ा है, अभी मैं इसको रैप्टा भी दिखाया था। नहीं तो मत देख, आउट ऑफ रेंज है भाई, रेंज भी बहुत ज्यादा है ये। इसकी रेंज है 2490, इतने में तो मैं 10-12 खरीद लाऊंगा। अभी मैं और विवेक सारा यूनिक्लो का स्टोर घूम चुके हैं, और अभी मैं और विवेक जा रहे हैं अब बाहर। किसी भी स्टोर में जाके किसी का नुकसान न करें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सैनिटाइजर रख रखा है, तो ये आपके लिए नहीं है, बस दिखाने के लिए रख रखा है, तो कहीं पे जाके ना किसी का नुकसान न करें। ये पता नहीं इन्होंने क्या अम्मा सी बैठा रखी है यहाँ पे, इस पे लिख रखा है हॉक टैटू, पता नहीं ये अम्मा क्यों बैठी हुई है, मुझे पता नहीं है। ये देखो एक क्रोमटोन ने एक नया एसी लॉन्च किया है यहाँ पे ये, और ये एसी पता नहीं किस टाइप का है। सामने है ये
एसी है, इसमें कम से कम आराम से 10-12 घंटे आराम से आ जाएंगे। ये देख एक और चीज देखने को मिली है, ये है गांधी जी का चश्मा, ये एक आंख छोटी एक आंख बड़ी है और ये गांधी जी का चश्मा। टाइम हो चुका है घर जाने का, हम बहुत सारे घूम तो लिए, लेके लिए करते हैं पे खत्म। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो में लाइक ठोके, ना पसंद आया हो तो कमेंट में गालियां ठोके, और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।